अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 23, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तवज्जो से ज़रा सुनिएगा ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैं दो लेक्चर करूँगा, लेक्चर 23 और 24, ये एक टॉपिक में दो लेक्चर में मुकम्मल करूँगा। आज सिर्फ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर बात करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनती कैसे हैं और ये काम, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, याद रखें ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है और इसकी हर लाइन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ चुकी। जो नोट्स, वीडियो आपको नज़र आ रही हैं, हर लाइन जो मैं रीडिंग करूँगा ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ चुकी। तो बेटा आज का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन पे लें, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आला यूज, जिसे हम इस्तेमाल करेंगे टू सी, ताकि हम देखें, अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप इस्तेमाल करें ताकि आप सी देखें, हाईली बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज, इमेज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करें। ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के अगर आप इमेज को बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करें तो इस इस्तेमाल करने वाले आले का नाम है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला जिसकी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, अंडरस्टूड बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगी। सिंपल माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते थे टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल करना है जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, और उस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो, अगर आप चाहते हो इमेज, हाई मैग्नीफाइड इमेज चाहते हो, तो इसके लिए आला इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे आप बेटा आप अपने हाथ देखें तो आपके हाथों पर बेपनाह जरासीम होंगे, क्या नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं ना, तो इन वेरी वेरी स्मॉल, छोटे से छोटे जरासीम यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप इसके इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए आप आला इस्तेमाल करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहली हेडिंग, कंस्ट्रक्शन बनावट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये कंसिस्ट मुश्तमिल है दो कन्वेक्स लेंसेज पर। जैसे आपको याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस, आंख पर एक लेंस लगाते थे सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुश्तमिल दो कन्वेक्स लेंसेज पर। एक को बेटा नाम ब्लॉक करें, मार्कर से लिखें, एक को नाम देंगे ऑब्जेक्टिव और एक को नाम देंगे आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू डबल कन्वेक्स लेंसेज, दो डबल कन्वेक्स लेंसेज, दो लेंसेज पर मुश्तमिल, एक लेंस ऑब्जेक्टिव का नाम, एक लेंस का नाम आईपीस। फिर कहता है द लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, वो कन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे। हाईलाइट कर लें, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, बोर्ड में आ चुकी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमेशा वेरी शॉर्ट, वो कन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, ऑब्जेक्ट की जानिब होगा, उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे और इसकी फोकल लेंथ वेरी शॉर्ट। इसी तरह से अदर लेंस को क्या नाम दिया, आईपीस, द लेंस टूवर्ड्स द आई, वो कन्वेक्स लेंस जो आंख के करीब होगा इसे आईपीस कहेंगे। ऑफ रिलेटिवली ब्लॉक करें, लार्जर फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ होगी लार्जर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुश्तमिल दो कन्वेक्स लेंसेज पर, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव होगा इसकी फोकल लेंथ हाईलाइट कर लें, वेरी वेरी शॉर्ट, और जो आईपीस होगा इसकी फोकल लेंथ हाईलाइट करें, लॉन्गर, वेरी लार्ज। इसके बाद अब हम आते हैं डायाग्राम की जानिब। ये डायाग्राम, एग्जामिनर बेटा सबसे पहले आपकी इस डायाग्राम पर फोकस करेगा।
डायग्राम ही बता देगी कि आपने टॉपिक की प्रैक्टिस कितनी की। 5 से 7 मर्तबा डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं, और डायग्राम पेंसिल से नहीं, ब्लू इंक के पेन से। पेंसिल से बनाएंगे गलत, डायग्राम गलत, पूरा आर्टिकल गलत, कोई नंबर नहीं। आपको वर्किंग के नंबर उसी वक्त ही मिलेंगे जब आप स्केच डायग्राम और जो डायग्राम वीडियो में आपको नजर आ रही है यही बनानी है। अगर आप देखें डायग्राम में, ये आपको वाजे नजर आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुश्तमिल 2 कन्वेक्स लेंस, ये पहला लेंस ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ कम से कम, दूसरा लेंस आईपीस, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा से ज्यादा, ये छोटे साइज में, ये बड़े साइज में। ठीक है जनाब, अब देखें जरा, ये आपके पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है। मेरे अल्फाज और से सुने, मेरा हर फिक्रा 3-3 ऑब्जेक्टिव इसमें है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं डायग्राम में, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी बेटा हाइट क्या है, एच। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप देखें, मैंने रखा है ऑब्जेक्टिव के फ्रंट सामने, देख सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को आपने रखना है ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट एफ ओ से पहले, ख्याल रखना है। डायग्राम बनाते वक्त अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां एफ ओ के ऊपर या अंदर, तो पूरी डायग्राम गलत। ठीक है जी, 2 कन्वेक्स लेंस, पहला कन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्टिव जी, इस ऑब्जेक्टिव इस कन्वेक्स लेंस के फ्रंट सामने आपने ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, एच, और इस ऑब्जेक्ट को छोटा सा, वेरी स्मॉल, इस ऑब्जेक्ट को आपने रखना है ऑब्जेक्टिव इस कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट एफ ओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के इस कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट से बियॉन्ड पहले रखना है। अब आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में से 2 लाइट की रेज आई, एक लाइट की रे लेंस के सेंटर से गुजर गई ये वाली, और एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए लेंस के अंदर दाखिल, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, और ये एफ ओ से गुजरते हुए ये लाइट की रे आपके सामने, ये बिल्कुल सीधी ये आ रही है। अब आप देख सकते हैं यहां इस जगह A1, यहां दोनों लाइट की रेज, जहां ये आपको येलो स्क्रोल रुका हुआ नजर आ रहा है, यहां दोनों लाइट की रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, यहां आपका पहल, जहां दोनों लाइट की रेज मिलेंगी वहां पहला इमेज बनेगा, और हाईलाइट कर लो बेटा, पहला इमेज है A1B1, इसकी हाइट है H1, और पहला इमेज, 3 खूबियां हो, पहला इमेज बनना चाहिए रियल, नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 मैग्निफाइड, और जी ये 3 खूबियां पहले इमेज में हो। हाँ जी, डायग्राम समझ आ रही है जी बेटा। ए बी आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट थी एच, इस ऑब्जेक्ट में से 2 लाइट की रेस निकली, एक लेंस के सेंटर से और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए लेंस में दाखिल, यहां से रिफ्रैक्ट हुई, जहां दोनों लाइट की, ये दोनों लाइट की रेज जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, वहां पहला इमेज बनेगा। पहला इमेज कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव, पहला इमेज कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव, पहला इमेज A1B1, इसकी हाइट है H1, और पहले इमेज में खूबियां क्या हो, पहला इमेज होना चाहिए रियल। अब रियल हकीकी, रियल इमेज की निशानी देखें, लेंस, ये लेंस है ना जी, लेंस के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट है और लेंस के राइट साइड पर इमेज, ये इमेज है रियल। रियल इमेज पिछले टॉपिक में मैंने आपको वर्चुअल इमेज बताया था, अब बता रहा हूं रियल इमेज। बेटा लेंस के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट है और लेंस के राइट साइड पर इमेज है, लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट और लेंस के दूसरी तरफ बनने वाला ये इमेज, ऐसा इमेज रियल होता है। दूसरी खूबी क्या बताई, इनवर्टेड, इनवर्टेड, पेन रजिस्टर आपके पास हो ताकि ये लिखते जाएं, या टेक्स्ट बुक सामने हो ताकि हाईलाइट करते जाएं,
इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा। देखें ए बी ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, लेकिन जो पहला इमेज ए वन बी वन, ये इसमें इमेज देखें, ये इमेज नीचे है, इन्वर्टेड उल्टा। और तीसरा मैग्नीफाइड बड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, लेकिन जो पहला इमेज जिसकी हाइट एच वन है, ये पहला इमेज मैग्नीफाइड होना चाहिए। और चौथी बात, ये पहला इमेज बनना चाहिए कहां, विद इन, लफ्ज पर गौर करना, विद इन द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, एफ ई के अंदर बनना चाहिए। ये जो आईपीस दूसरा कन्वेक्स लेंस आईपीस है, इसके फोकल पॉइंट के अंदर, फोकल पॉइंट के अंदर। अब जितनी बातें मैंने बताई, अब ये थ्योरी, ये वर्किंग हेडिंग देंगे, वर्किंग, ये सारी वर्किंग आप तमाम बच्चों ने ये सारा लिखना है। टेक्स्ट बुक में भी यही बातें, यहां भी कहते हैं सपोज एन ऑब्जेक्ट, फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच है, इसे प्लेस रखा जस्ट बियॉन्ड, अंडरलाइन जस्ट बियॉन्ड, पहले द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस से पहले रखना है। ओके जी, फिर द ऑब्जेक्ट लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, फॉर्म पहला इमेज बनाएगा, पहला इमेज अंडरलाइन रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होना चाहिए। और इस इमेज की हाइट एच वन है, और ये इमेज कहां बनना चाहिए, सिचुएटेड, ब्लॉक करें, विद इन द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, पहला इमेज कहां बनना चाहिए, आईपीस के फोकल पॉइंट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोबारा डायग्राम पर, ये पहला इमेज आ गया, इस ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, अब काम शुरू दूसरा कन्वेक्स लेंस आईपीस का, आंख के करीब आईपीस, ये आंख के ऊपर कन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो अब ये आंख एक तरह की बन गई, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये जो पहला इमेज बन तो गया, लेकिन ये अभी उतना मैग्नीफाइड नहीं है जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूं ये पहला इमेज ए वन बी वन जिसकी हाइट एच वन है, मैं इस पहले इमेज को मजीद बेटा मैग्नीफाई करना चाहता हूं, एनलार्ज बड़ा करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा आईपीस को। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, आंख के ऊपर ये कन्वेक्स लेंस, तो आंख बन गई, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। अब ये जो ए वन बी वन है, तो ये पहला इमेज, लेकिन इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है। ए वन बी वन है जिसकी हाइट एच वन, ये है तो पहला इमेज, लेकिन आई पीस के लिए ये एक्ट करेगा, बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इस आई पीस को आपने एडजस्ट करना है ताकि ये फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज, ये आई पीस बनाएगा फाइनल इमेज, फाइनल इमेज आपका ए टू बी टू जिसकी हाइट है एच टू, और फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बनना चाहिए, कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्विजन। फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस। ख्याल रखना फाइनल इमेज के अंदर खूबियां, फाइनल इमेज होना चाहिए वर्चुअल, नंबर एक वर्चुअल, नंबर टू वेरी एनलार्ज, और फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्विजन डी, 25 सेंटीमीटर पर। यही बात यहां बेटा लिखी है, इट इज फर्दर मैग्नीफाइड बाय आईपीस, मजीद पहले इमेज को मैग्नीफाई करेगा आईपीस, आईपीस करेगा विद सर्वर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ब्लॉक करें, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है सिंपल माइक्रोस्कोप। द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज सीन आप देखेंगे बाय आई, आंख से, और फाइनल इमेज बनाएगा कौन, आईपीस। हाईलाइट कर लें, फाइनल इमेज में पहली खूबी वर्चुअल, दूसरा वेरी मच एनलार्ज, और तीसरी बात फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, जी बेटा एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्विजन, यानी के 25 सेंटीमीटर पर। तो आज के लेक्चर को बार बार सुने, अभी हमारा टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा मुकम्मल नहीं हुआ। आज सिंपल मैंने आपको जितनी बातें बताई वो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है,
फिगर की बार बार प्रैक्टिस करें, एरो का निशान लाजमी है। ये देख रहे हैं, ये डायग्राम में देखें, ये वाले एरो, ये एरो के निशान, ये अगर आप ये एरो के निशान भूल गए तो आपकी डायग्राम गलत, आपका टॉपिक गलत। आज सिर्फ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑब्जेक्टिव था, हर फिक्रा हर लाइन में बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव है, इसे बार बार याद करें। आज के लिए इतना ही, मजीद एंगुलर मैग्निफिकेशन वो मैं प्रूफ कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो बेटा ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें, याद करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप बेटा व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिजिकल क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।